हेलो स्टूडेंट, जो लास्ट पोर्शन है दैट इज़ एक्सप्रेशन ट्री, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ट्री का लास्ट पोर्शन है एक्सप्रेशन ट्री। तो देखो, एक्सप्रेशन ट्री क्या होता है, इज़ अ बाइनरी ट्री। एक्सप्रेशन ट्री इज़ वन ऑफ द बाइनरी ट्री इन विच ईच इंटरनल नोड करस्पॉन्ड टू ऑपरेंड एंड ईच लीफ नोड करस्पॉन्ड टू ऑपरेंड। ठीक है, मतलब जो इंटरनल नोड्स होते हैं वह उसमें क्या होता है ऑपरेटर, और जो लीफ नोड होते हैं मतलब लास्ट वाले जो नोड होते हैं वहाँ पर क्या होता है ऑपरेंड। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन ट्री फॉर 3 + 5 + 9 × 2, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो उसके लिए हम ट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या है, 3 + (5 + 9) × 2 मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले 5 + 9 और उस 5 + 9 के एडिशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद उन सबको हम 3 के साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हमें ट्री ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखेंगे कि एक्सप्रेशन कैसा है, कितने पोर्शन में डिवाइड है। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे 2 पोर्शन में डिवाइड है, जैसे लेफ्ट राइट एंड 1 इज़ मिडल। ठीक है, रूट। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट हम एग्जांपल लेते हैं एक्सप्रेशन का, दैट इज़ यहाँ पे हमने क्या किया 3 और यहाँ पे लिखा प्लस, उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको फिर से हमें डिवाइड करना है। तो ये 2 टर्म्स है, 5 + 9 एक टर्म है और × 2 एक टर्म है, तो इंटू जो है इन दोनों का रूट है, तो यहाँ पे हमने लिखा रूट। अब इंटू के राइट में कौन है 2 और इंटू के लेफ्ट में कौन है 5 + 9। अब देखो 5 + 9, सो 5 + 9। ठीक है, सो इस तरह से हम एक्सप्रेशन ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो लो इसका एक एल्गोरिदम भी है, देखो एल्गोरिदम में क्या लिखा है, लेट टी बी द एक्सप्रेशन ट्री। हमने एक एक्सप्रेशन ट्री को नाम दिया दैट इज़ टी। इफ़ टी इज़ नॉट नल, अगर टी नल नहीं है, देन इफ़ टी डॉट वैल्यू इज़ ऑपरेंड, अगर टी डॉट वैल्यू जो है अगर वो ऑपरेंड है, मतलब क्या है कि नंबर्स हैं। ठीक है, रिटर्न टी डॉट वैल्यू, हम क्या करेंगे उसको रिटर्न करेंगे, एंड ए इक्वल्स टू सॉल्व टी डॉट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व राइट को करेंगे। ठीक है, एंड कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़, अगर एंड रिटर्न्स ए बी एंड टी डॉट वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसे अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे प्लस, यहाँ पे देखते हैं कि 3 है, यहाँ पे क्या है इंटू, इंटू आए तो यहाँ पे आए प्लस है और 2 है, तो सबसे पहले प्लस, मतलब ये जो लास्ट है उनको हम सॉल्व करेंगे 5 + 9। सो 5 + 9 कितना हुआ, दैट इज़ 14। ठीक है, 14, सो 14 फिर है इंटू 2, सो 14 × 2, तो 14 × 2 कितना हुआ 28, राइट। अब यहाँ पे 28 आया, अब देखो 28 + 3, सो यहाँ पे आंसर कितना आया 31। सो इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा 31, अगर हमें इस हमने इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया तो इसका आंसर कितना आएगा 31। देखो वन मोर टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, लास्ट में आए इस यहाँ पे आए, यहाँ पे देखा 3 और इंटू है, तो इंटू तो होगा नहीं, यहाँ पे आए इस यहाँ पे देखो एडिशन है और 2 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा 5 + 9 का। सो 5 + 9 दैट इज़ कितना हुआ 14, फिर यहाँ पे 14 आया, 14 × 2, तो 14 × 2 कितना हुआ 28। अब यहाँ पे आया 28, सो 28 + 3 या फिर 3 + 28, सो 3 + 28 कितना हुआ 31, सो आंसर इज़ 31। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन ट्री को इवैल्यूएट करना है, राइट। सो ये है हमारा लास्ट पोर्शन ऑफ ट्री। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।